कहेंगे अभी आरओ यादव 2016 का पेड़ हम इसका पेपर डिस्कस कर रहे हैं। 2016 की वैकेंसी में 3 पेपर हुआ था, ठीक है, और एक पेपर 2016 में हुआ जो कैंसिल हो गया, फिर 2020 में प्रीलिम्स और मेंस हुआ, तो टोटल 3 पेपर हुए। तीनों पेपर को हम लोग एक साथ डिस्कस कर रहे हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसका जन्म आगरा में हुआ था? तो गालिब का जन्म आगरा में हुआ था, गालिब का जन्म आगरा में हुआ था। तो ये टॉपिक निकल के आएगी शायर और जो उत्तर प्रदेश के अंदर जिनका जन्म हुआ, जिन शायर का उत्तर प्रदेश का जन्म हुआ उनकी एक लिस्ट मैंने क्रिएट करी है ढूंढ ढूंढ करके, कि वो अगर लिस्ट रहेगा तो फ्यूचर में अगर सवाल आएगा कोई तो आसानी से हो जाएगा। तो पहला है जोश, ठीक है, ये कहाँ के थे? मलिहाबाद के। तो सुना होगा जोश मलिहाबादी, जोश मलिहाबादी, ठीक है। तो शायरों का ये कल्चर रहा है वो जिस यहाँ से आते हैं वो उसको अपने नाम के साथ जोड़ लेते हैं, जैसे आदम गोंडवी, आदम गोंडवी एक शायर है अपने गोंडा के, आदम गोंडवी, आदम गोंडवी, ठीक है। तो इसी तरह से लोग अपना नाम जोड़ लेते हैं उस जन्म स्थान के साथ, ठीक है। तो जोश मलिहाबाद के थे। मलिहाबाद क्यों फेमस है? दशहरी आम के लिए, दशहरी, लंगड़ा, चौसा, इन सब आमों के लिए बहुत फेमस है मलिहाबाद, बहुत इसलिए फेमस है लखनऊ में, ठीक है। यहाँ से आम वगैरह एक्सपोर्ट होता है, दूसरे देशों में भी एक्सपोर्ट होता है, इतना ज्यादा प्रोडक्शन होता है आम का यहाँ पे। अभी चलते चकबस्त, चकबस्त, चकबस्त एक शायर थे, ये कहाँ के थे? ये भी लखनऊ के थे, चकबस्त भी लखनऊ के थे। फिर जिगर, सुना होगा जिगर मुरादाबादी, जिगर मुरादाबादी ये मुरादाबाद के थे। मुरादाबाद क्यों फेमस है? पीतल के कामों के लिए फेमस है मुरादाबाद, पीतल के कामों के लिए फेमस है। रघुपति सहाय, रघुपति सहाय, और इनका पेन नेम था जिसको हम लोग बोलते उपनाम, उपनाम था फिराक, ठीक है। ये कहाँ के थे? गोरखपुर के थे। इनकी जो पैदाइश हुई कहाँ पे हुई? गोरखपुर के अंदर। फिर है आमिर खुसरो, आमिर खुसरो किसके दरबार में थे? अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में थे। और इनकी पैदाइश हुई कहाँ पे? पटियाली एटा में, पटियाली एटा में, पटियाली एटा में, ठीक है, एटा जो उत्तर प्रदेश में एक डिस्ट्रिक्ट है वहां पे इनकी पैदाइश हुई। उसके बाद मीर तकी और गालिब, मीर तकी और गालिब दोनों की पैदाइश हुई आगरा के अंदर, दोनों की पैदाइश हुई आगरा के अंदर, मीर तकी और गालिब। अब आगे चलते हैं राम प्रसाद बिस्मिल, राम प्रसाद बिस्मिल, बिस्मिल इनका वो था उपनाम था, बिस्मिल इनका उपनाम था, और ये भी बहुत बड़े शायर थे। और इनकी पैदाइश भी कहाँ पे? शाहजहांपुर में, शाहजहांपुर के थे, शाहजहांपुर के थे। फिर धनपत राय या प्रेमचंद, ये भी आ सकता है कि प्रेमचंद का असली नाम क्या था, तो धनपत राय था, ठीक है, प्रेमचंद इनका क्या था? उपनाम था, प्रेमचंद का उपनाम था। ये कहाँ पैदा हुआ? वाराणसी के अंदर, ये वाराणसी के अंदर पैदा हुआ है धनपत राय, वाराणसी के अंदर पैदा हुआ है। अब आगे चलते हैं, क्षेत्रफल के अनुसार उत्तर प्रदेश का स्थान क्या है, ठीक है, क्षेत्रफल के अनुसार उत्तर प्रदेश का स्थान है चौथा, चौथा स्थान है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं वैसे। राजस्थान, फिर एमपी, फिर महाराष्ट्र, फिर उत्तर प्रदेश, तो चौथा है राजस्थान, एमपी, महाराष्ट्र, फिर उत्तर प्रदेश, ये भी सिक्वेंस में लगाने को आ सकते हैं। आगे चलते हैं राजकीय ललित कला अकादमी, राजकीय ललित कला अकादमी ये किस जगह पे है? तो ये लखनऊ के अंदर, ठीक है। तो लखनऊ में जितने भी शैक्षणिक संस्थान या अनुसंधान केंद्र थे या ऐसी कोई एकेडमी थी वो सारा हम लोग डिस्कस कर चुके हैं पहले, वो हम लिंक में दे देंगे नीचे। लखनऊ में है और इसकी स्थापना हुई 1962 के अंदर। फिर उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? श्रीमती सुचेता कृपलानी, तो ये भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। पहले 4 मुख्यमंत्री कौन थे उत्तर प्रदेश के, पहली मुख्यमंत्री कौन थी या पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी, उसके बाद पहले 4 राज्यपाल और पहली महिला राज्यपाल, ये सब हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। फिर आगे चलते हैं मुड़िया पूर्णिमा मेला, मुड़िया पूर्णिमा मेला ये कहाँ पे आयोजित होता है? मुड़िया पूर्णिमा मेला, मुड़िया पूर्णिमा मेला ये होता है गोवर्धन के अंदर, ये कहाँ पे है? मथुरा में, गोवर्धन मथुरा में। हम लोग जो मेला है फेयर वो हम लोग पढ़ा चुके हैं, पूरा अच्छे से पढ़ाए हैं, ठीक है, लेकिन ये चीज नहीं पढ़ाई है, तो ये एक तरह से नया सवाल है।
मुड़िया पूर्णिमा मेला, ये कहाँ पे आयोजित होता है? गोवर्धन के अंदर मथुरा में। अगला है, कौन सा युगम सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो स्थान और उत्पाद, ये क्या है? उद्योग, उत्तर प्रदेश में उद्योग से संबंधित ये टॉपिक है, ये हम पढ़ा चुके हैं बहुत अच्छे से, उत्तर प्रदेश में उद्योग। ठीक, तो अगर आप पहले लेक्चर लगा चुके होंगे तो ये आसानी से हो जाएगा। अगली चीज लखीमपुर खीरी, लखीमपुर खीरी में कौन सा उद्योग होता है? आगे दिया हुआ कास्ट शिल्प, कास्ट शिल्प का मतलब होता है वुड कार्विंग, जो सोफे वगैरह में या बेड में जो नक्काशी होती है लकड़ी के ऊपर, उसको बोलते हैं वुड कार्विंग। ठीक है, तो लखीमपुर के अंदर कास्ट शिल्प का उद्योग नहीं है, यहाँ पे चीनी का उद्योग है, यहाँ पे चीनी का उद्योग है, चीनी उद्योग है। ठीक है, लखीमपुर के अंदर चीनी का उद्योग है, और लखीमपुर पूरे उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है, क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? लखीमपुर खीरी है। ठीक है, दूसरी बात ये कि लखीमपुर में एक राष्ट्रीय उद्यान है, पूरे उत्तर प्रदेश में सिर्फ एक राष्ट्रीय उद्यान है, उसका नाम है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, ये लखीमपुर में पड़ता है। ठीक है, आगे चलते हैं, खुर्जा, खुर्जा कहाँ पे? बुलंदशहर में। ये भी सवाल आ सकता है कि खुर्जा कहाँ पे? चार जगह दे दी, उद्योग जहां जहां पे होता है और चार जिले के नाम दे दिए, और उसको मैच कराओ या बोल देगा एक गलत है मिलान, ऐसे पूछ लेगा। तो खुर्जा में क्या होता है? मृतिका शिल्प, मृतिका शिल्प मतलब जो क्ले से जो भी जितने भी सामान बनते हैं, ठीक है, जो गीली मिट्टी होती है उससे जो सामान बनता है उसको हम लोग बोलते हैं क्ले टॉयल्स या क्ले यूटेंसिल्स। ठीक है, लेकिन खुर्जा में सबसे ज्यादा फेमस जो उद्योग है वो है सेरामिक का, सेरामिक मतलब चीनी मिट्टी, चीनी मिट्टी, चीनी मिट्टी के बहुत सारे बर्तन बनते हैं, चीनी मिट्टी के बहुत सारे बर्तन बनते हैं चीनी मिट्टी के। ठीक है, तो सेरामिक का उद्योग बहुत बड़ा है। आगे चलते हैं मेरठ के अंदर, मेरठ के अंदर क्या है? सब जानते हैं खेलकूद का सामान, खेलकूद का सामान, ठीक है, खेलकूद का सामान, खासकर स्पोर्ट्स के लिए, जैसे क्रिकेट, क्रिकेट के लिए सबसे ज्यादा फेमस है मेरठ, क्रिकेट के लिए सबसे ज्यादा फेमस है, बैट वगैरह बनता है। उसके बाद जलेसर, जलेसर में ढलवी घंटियां बनती हैं, मतलब जो मंदिर में बड़े बड़े जो घंटियां लगी होती हैं या घंटे लगे होते हैं बड़े बड़े से, उसका उसको ढाला जाता है, यहाँ पे उसको ढाला जाता है, जलेसर में, जलेसर में उसको ढाला जाता है, इसको बोलते हैं कास्ट बेल्स, कास्ट बेल्स। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है कास्ट बेल्स। जलेसर का जो है मेन उद्योग क्या है? कास्ट बेल्स या घंटियों को ढालना। आगे चलते हैं, सूची एक पदों में मिलान करें, यहाँ भी सेम उद्योग पे ही सवाल आया है, जिला और उत्पाद, जिला और उत्पाद। अलीगढ़ में हमको याद आता है ताला, ताले के लिए फेमस है अलीगढ़, किसके लिए फेमस है? ताले के लिए फेमस है। आगे फिरोजाबाद चूड़ियों के लिए फेमस है, चूड़ियों के लिए फेमस है, और इसीलिए फिरोजाबाद को क्या बोलते हैं? सुहाग नगरी। जब किसी का सुहाग उजड़ जाता है तो वो पहले सबसे ज्यादा अपनी चूड़ियां ही तोड़ता है, तो इसलिए इसको सुहाग नगरी बोलते हैं। ठीक है, चूड़िया सुहाग का प्रतीक होता है, तो फिरोजाबाद सुहाग नगरी। ये आ सकता है सवाल कि सुहाग नगरी किसको बोलते हैं? मुरादाबाद पीतल के बर्तन, पीतल के बर्तन। ठीक है, और मुरादाबाद को ब्रास सिटी बोलते हैं, ब्रास सिटी या पीतल नगरी, पीतल नगरी बोलते हैं, ब्रास सिटी, ब्रास सिटी या पीतल नगरी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद टांडा, टांडा विद्युत करघा के उत्पाद, जो देखो दो तरह का होता है, एक हैंडलूम होता है मतलब जहां पे कपड़े काटे जाते हैं उसको लूम बोला जाता है। तो कपड़े काटने का दो तरीका है, या तो आप लाइट से काटो मतलब इलेक्ट्रिसिटी से, उसको बोलते हैं पावर लूम, जहां पे हाथ से काटा जाता है उसको बोलते हैं हैंडलूम। ठीक है, तो जहां जो पावर लूम है होता है, जहां पे बड़ी बड़ी मशीनें लगी होती है इलेक्ट्रॉनिक की, उससे संबंधित जो उत्पाद होता है वो टांडा के अंदर मिलता है, उससे संबंधित उत्पाद कहां मिलता है? टांडा के अंदर मिलता है। ठीक है, तो ये पूरा हो गया। ठीक,